हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एडवोकेट राजेश लोधी और इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका बिजली बिल आपने जमा नहीं किया है तो क्या विद्युत विभाग की टीम आकर आपका कनेक्शन काट सकती है। तो हमारे पास कई ऐसे कमेंट आते हैं दोस्तों, लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि क्या हम बिजली बिल जमा नहीं करेंगे तो हमारा कनेक्शन काट सकती है क्या बिजली विभाग की टीम। दोस्तों, बिजली विभाग वाले आते हैं, एक लिस्ट बना के लाते हैं, उस लिस्ट में जिन जिन ने बिल जमा नहीं किया है उन लोगों के घर जाते हैं, घर में बिना परमिशन अंदर घुसते हैं और बिजली बिल मीटर का कनेक्शन काटते हैं और आ जाते हैं। उसके बाद फिर हम उनसे कनेक्शन जोड़ने के लिए बोलते हैं, बिल जमा कर देते हैं, उसका चार्ज वो अलग से लेते हैं, कनेक्शन काटने का चार्ज अलग से लेते हैं। तो क्या ये सही है, क्या ये लीगल है? हम आपको इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं, आपको आपके अधिकार पता होना चाहिए। अगर आप अपने अधिकार आपको पता होंगे तो आपका कोई भी शोषण नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप बने रहिए और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेड बटन दिख रहा है उसको आप दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो हम बात करेंगे दोस्तों, क्या ये लीगल है कि जो विद्युत मंडल वाले जो कार्रवाई करते हैं क्या वो सही है? तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 के तहत अगर किसी व्यक्ति ने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है तो उसको 15 दिन का नोटिस दिया जाता है और उसको समय दिया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर अपना जो बिजली का बिल बकाया है उस पैसे को जमा करें, और उस पैसे को जमा नहीं करेंगे तो आपका मीटर कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने बताई है लीगल प्रोसीजर। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति 15 दिन के भीतर, कोई कंज्यूमर 15 दिन के भीतर अगर आपका विद्युत विभाग का पैसा जमा नहीं करेगा नोटिस लेने के बाद, तो उसको लीगली अधिकार होगा कि आपका कनेक्शन जो है काट दे। लेकिन ऐसे ही लिस्ट बना के बिना नोटिस दिए कोई भी विद्युत विभाग वाला आता है, कोई टीम आती है, तो आपका मीटर कनेक्शन नहीं काट सकते, ये पूरी तरह से इलीगल है। तो हम आपको अब बताएंगे कि अगर आपके साथ ऐसा होता है या हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो विद्युत विभाग वाली जो टीम आती है वो आपका मीटर कनेक्शन काट रही है, तो आपको सबसे पहले उनकी वीडियो बनाना चाहिए, फोटो खींचना चाहिए। आपके पास पर्याप्त पहले आपको सबूत इकट्ठे करने होते हैं, तो आप उनकी वीडियो बनाइए, उनके फोटो खींचिए मीटर कनेक्शन करते हुए। उसके बाद आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं, अगर आपका मीटर में कोई खराबी आ गई है, अगर आपका कोई मीटर में आपका बिल ज्यादा आ रहा है, हर महीने आपका 6000 बिल आता है, अचानक से आपका 50000 बिल आ गया है, तो इसके लिए आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं और विद्युत विभाग की शिकायत कर सकते हैं। इससे फायदा होगा ये कि आपको जो बिल है वो भी कम हो जाएगा और दूसरा मानसिक प्रताड़ना, मेंटली हरेसमेंट का आपको और पैसा विद्युत विभाग द्वारा देना पड़ेगा जुर्माने के तौर पर। दोस्तों, आप विद्युत विभाग की टीम पर आईपीसी की धारा 452 के तहत कार्रवाई करवा सकते हैं। आईपीसी की धारा 452 के तहत कोई भी व्यक्ति आपके घर में बिना आपकी परमिशन के प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति बलपूर्वक जबरदस्ती आपके घर में प्रवेश करता है तो उस पर क्रिमिनल मुकदमा बनता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो में जानकारी मिली वो काफी लाभदायक जानकारी आपको मिली है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आ गई होगी और हमने जो आपको ट्रिक बताई है, जो आपके अधिकार बताए हैं, उन अधिकारों का आप अगर उपयोग करते हैं तो आपको कभी भी ये सारी परेशानियों से जूझना नहीं पड़ेगा, उल्टा बिजली कंपनी वाले ही आपको जुर्माना देंगे और आगे भविष्य में ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। तो दोस्तों, एक बार आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, हम हर वीडियो में रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेड बटन है आप उसको दबा दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों को भी भेजिए ताकि उनको भी ये सारी जानकारियां मिल सके और उनका भी बिजली विभाग वाले शोषण न कर सकें।